कर रहे हैं आप सभी का मैं बहुत बहुत ध्यान दें। इसके बाद में यहाँ पर जो हमारे साथ में ये एक माह का यातायात माह है जिसमें हम यातायात के नियमों के प्रति सारी जनता को विशेष करके जो युवा वर्ग है विद्यार्थी हैं उनको जागरूक करना चाहते हैं। इस माह के दौरान विभिन्न विद्यालयों में विभिन्न स्थान सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पुलिस का जो ट्रैफिक विंग है वो अधिक सक्रिय रहेगा, यातायात के नियमों का पालन कराना सुनिश्चित करेगा जिससे लोग इसका पालन करें, स्वयं सुरक्षित रहें और सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों को की सुरक्षा के प्रति भी संवेदनशील रहें। इसके साथ ही साथ हम आज इस मंच से ये भी कहना चाहते हैं कि हम वाहनों का कम से कम प्रयोग करें, बात जो हमारा पर्यावरण है उसको सुरक्षित रखें, साइकिलों का ज़्यादा प्रयोग करें, ज़्यादा सावधानी पूर्वक यातायात के नियमों का पालन करते हुए सड़कों का प्रयोग करें जिससे हम स्वयं भी सुरक्षित रहें और बाकी जो हमारे सड़क का उपयोग करने वाले अन्य लोग हैं वो भी सुरक्षित रहें। सर अक्सर देखा जाता है कि ये अभियान तो बहुत जोर शोर से शुरू होता है लेकिन थोड़े दिन बाद ही उसका अंत पूरा आ जाता है, लोग कहीं कोई एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है, तो इसको लेकर सर किस तरह की भूमिका रहेगी? ये प्रयास किया जा रहा है कि इसमें महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें क्योंकि महिलाएं विविध रोल में रहती हैं परिवार में। आप जानते हैं कि वो माँ भी हैं, वो पत्नी भी हैं, इसके अलावा वो घर की जिम्मेदार महिला सदस्य हैं। अगर वो पहल करेंगी, वो अपने बच्चों को अपने परिवार में यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए दृढ़बद्ध होंगी, वचनबद्ध होंगी, तो मुझे लगता है परिवर्तन जरूर आएगा। दूसरा, हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स बच्चे हैं। विद्यालयों में तमाम तरह के कार्यक्रम होंगे, अगर बच्चे सजग हैं तो अपने पिता को, अपने भाई को, अपने चाचा को भी यातायात के नियमों का पालन करने के लिए ज़रूर इसरार करेंगे, ज़िद करेंगे और बच्चों की ज़िद की कोई टाल नहीं सकता। मुझे विश्वास है कि इस प्रयोग से हम यातायात के नियमों का अधिक प्रभावी ढंग से पालन करा सकेंगे। यातायात माह का आरंभ हो चुका है और इस बार पिछले कई दिनों से हम लोग जो ट्रैफिक की समस्या यहाँ की शहर से जूझ रहे हैं क्योंकि कई हमारे रोड्स जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ रोड्स जो है ब्लॉक किए गए हैं डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को दृष्टिगत रखते हुए, उसकी वजह से शहर के सीमित संसाधनों पे और प्रेशर बढ़ गया है, दबाव बढ़ गया है और हम लोग प्रतिदिन जो है जाम की समस्या झेल रहे हैं। इसके समाधान के लिए हम लोगों ने काफ़ी कई प्रयास किए हैं, कई प्लानिंग की गई है, पर ग्राउंड लेवल पर इसको क्रियान्वयन करना बहुत ज़रूरी है और ये 30 दिन हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि शहर की यातायात व्यवस्था को पटरी पे लाया जा सके। इसके लिए पब्लिक पार्टिसिपेशन भी इंश्योर किया जाएगा, लोगों की सहभागिता प्रोत्साहित किया जाएगा, लोगों को नियमों के पालन के बारे में जागरूक किया जाएगा और ट्रैफिक रूल्स के बारे में भी बताया जाएगा और कुछ एनफोर्समेंट का एक्शन भी किया जाएगा जिसमें अतिक्रमण हटाना, जो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करके प्रभावी रूप से कार्रवाई करना, टेम्पो रिक्शा जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करना, ये सारा इस कार्रवाई में सम्मिलित है और साथ ही साथ अवेयरनेस लोगों में जागरूकता फैलाने का भी काम करेंगे। इस पर्पज़ के लिए रिसेंटली ही मेरे द्वारा जो है 20 कांस्टेबल और ट्रैफिक पुलिस को दिए गए हैं जो एनफोर्समेंट एक्शन को और काम करेंगे, वो QRTs के रूप में काम करेंगे और जहाँ जहाँ जाम लगे हुए हैं वहाँ पर जाम हटाने का और अतिक्रमण हटाने का काम करेंगे। तो त्यौहारों का मौसम में कितनी बड़ी चुनौती होगी ये? ये बहुत बड़ी चुनौती है, इसमें कोई दो राय नहीं है और हालांकि हम कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं व्यवस्था सुधारने का, पर ऐसा लग रहा है कि हमारे सारे प्रयास जो है कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं और क्योंकि हमारे पास जो चैलेंज है वो बहुत ज़्यादा है, तो संसाधन बढ़ाने पर भी फोकस किया जा रहा है और 100 कांस्टेबल्स हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस के नियंत्रण में और बढ़ा देंगे और कुछ QRTs रहेंगी जो अतिक्रमण हटाने का साथ ही साथ काम करेंगी। शहर के चौकी इंचार्ज और थानाध्यक्षों को भी सख्त हिदायत दी गई है कि जाम नहीं लगना चाहिए और जहां पे अतिक्रमण लगेंगे ऐसे थानाध्यक्षों को नोटिस देकर 15 दिवस का अर्थदंड भी मेरे द्वारा जो है प्रपोज किया गया है कुछ चौकियों पर, तो चौकी इंचार्ज की भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनलाइज की जाएगी और जो चौकी इंचार्ज इसमें अनुपालन नहीं कर रहे उनको 15 दिन का अर्थदंड जो है दिया जाएगा प्रथम वार्निंग के रूप में, उसके बाद भी अगर वो नहीं मानते तो उनके विरुद्ध और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रयास हमारा पूरा है, हम कोशिश कर रहे हैं पर पूरा जनसहभागिता और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग भी अपेक्षित है, उसी से समस्या का परमानेंट समाधान हो सके।